सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैथ रीजनिंग मॉक टेस्ट स्पेशल जो आपका बैच है उसमें हम लोग 10वां मॉक टेस्ट करेंगे। 9 मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और ये अभी टाइम पर आपको दे दिया गया था। उम्मीद करते हैं आप बना करके बैठे होंगे और कॉपी कलम ले करके बैठे होंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 10 का प्रश्न संख्या पहला पे। ध्यान देना मेरे भाई, कहता है एक किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। अच्छा, ए जो है किसी काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में। बात को समझिए आराम से। बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। अच्छा, बी जो है उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 20 दिनों में। जबकि सी जो है उसको 30 दिनों में पूरा करता है। कितना दिन में? 30 दिन में। अब यहां से पूरा कार्य जूम कर लो, नहीं। अच्छा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। इफिशियंसी सोचिए, या 18 दिन में 180, एक दिन में कितना करेगा? 10। या 20 दिन में 180, एक दिन में कितना करेगा? 9। और 30 दिन में 180, एक दिन में कितना करेगा? 6। हम बार बार आपको बोलते आते हैं कि इफिशियंसी जो होता है चेला, वह किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है। अब क्या कहता है, बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़ देते हैं। अच्छा, पूरा कार्य जो है आपका वह 180 यूनिट का है। बी और सी काम शुरू करता है और 2 दिन कार्य करके छोड़ देता है, यानी बी और सी से 2 दिन काम करवाइए। बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 9 × 6 कितना? 15, है ना। 2 दिन काम करवाए, उसके बाद बी और सी छोड़ दिया। कहता है शेष कार्य को पूरा करने में एक को कितना समय लगेगा, यानी हमको कहता है कि बताइए कि जो शेष कार्य बचा उसको एक कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो शेष कार्य यही बचा, ए से कंप्लीट करवाना है। एक एक दिन का काम कितना हो गया आपका? 10, यानी ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर लेंगे। अब देखो, 180 में से 30 चला गया तो 150 हो गया ऊपर में, नीचे हो गया 10, यानी 150/10, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 15 दिन। कितना? 15 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 डेज, है ना, 15 दिन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं, यानी शेष कार्य को पूरा करने में, यानी ए को जो समय लगेगा वह समय कितना दिन का होगा? 15 दिन का होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है 1000 रुपया की धनराशि पर जो है 5%, है ना, वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। देखो चले, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क इस बात का है, साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता नहीं है, इसलिए उसका हर वर्ष का हर महीना का ब्याज आपस में बराबर होता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज का कैसा परंपरा है जो ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, यानी उसमें जो है पहला साल का मिश्रधन दूसरा साल के लिए मूलधन का काम करता है, दूसरा साल का मूलधन तीसरा साल के लिए दूसरा साल का मिश्रधन जो है वह तीसरा साल के लिए मूलधन का काम करेगा। देखिए, पहला साल कोई अंतर नहीं होता है, पहला साल जितना कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही सिंपल इंटरेस्ट, यानी जितना सिंपल इंटरेस्ट उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन 2 साल का जो अंतर होता है वह 1 साल के ब्याज के ब्याज के बराबर होता है, है ना। 2 साल का अंतर 1 साल के ब्याज के ब्याज के बराबर। अच्छा, तो 2 साल का अंतर पूछा, 1 साल के ब्याज के ब्याज के बराबर, प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल हो गया 1000, है ना। 1 साल का ब्याज निकालिए, 1 साल के ब्याज के ब्याज या ब्याज का ब्याज निकाल लो, 1 साल के ब्याज के ब्याज के बराबर अंतर होता है 2 साल का, है ना। अब देखिए, 3 सुन्ना काट करके हटा लीजिए, ये हो गया 25/10, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका उत्तर 2.5 रुपया। कितना? 2.5 रुपया, यानी 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर जो होगा, है ना, 1000 रुपया पर 5% के हिसाब से वह 2.5 रुपया होगा। अब देखिए, अब एक और तरकीब, या तो अगर आप ऐसे सोच सकते हैं तब तो ठीक है, 2 साल का अंतर 1 साल के ब्याज के ब्याज के बराबर। अगर बाई फार्मूला रटना है, देखिए 2 साल और 3 साल आपसे पूछा जाता है, 1 साल वाला क्या बोले, 1 साल में कोई अंतर नहीं होता है, 2 साल का जो अंतर होता है वो होता है P×R/100 का होल स्क्वायर, जबकि 3 साल का जो अंतर होता है वह होता है P×R/100 का होल स्क्वायर × 300+R/100, 300+R/100। यह देखिए, यह 1 साल का अंतर है, यह 2 साल का अंतर है, यह 3 साल का अंतर है, यही तीनों बात आप ध्यान रखोगे। पहला साल तो कोई अंतर होता ही नहीं, इसलिए उसको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा साल में जाएंगे, देखिए साधारण ब्याज तो पहला साल जितना हुआ अगला साल भी उतना ही होगा,
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल जितना हुआ उतना तो होगा ही, साथ में पहला साल का ब्याज भी लगेगा, तो वही डिफरेंस हुआ। दो साल का जो अंतर होता है, एक साल के यानी पहला साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है, है ना। फॉर्मूला से जाइएगा तो पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, तीन साल वाला भी याद रख लोगे, पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर बटा 100। अब बाई फार्मूला भी बनाइए, देखो पी प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 1000, रेट हो गया आपका 5, है ना, अब बटा 100 का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। फिर तो वही बात आ गया ना, देखो पी इंटू आर बटा 100 का ही होल स्क्वायर वहां भी दिख रहा था, यानी अंतर वही आएगा कैलकुलेट करने के बाद। वो अंतर कई रुपया का होगा, 2.5 रुपया का, कितना मेरे भाई 2.5 रुपीज का हो जाएगा। चलिए ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं, देखो क्या कहता है, कहता है ए टू दी पावर एक्स बराबर बी टू दी पावर वाई बराबर सी टू दी पावर जेड, एक कंडीशन और दे रखा, तथा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, तो वाई का मान हमसे पूछा जाए। देखिए सबसे पहली बात, तीन मान बराबर है ना, देखो ए टू दी पावर एक्स है ना बराबर में बी टू दी पावर वाई बराबर में सी टू दी पावर जेड, तीन मान बराबर है, तीनों के बराबर में एक कॉन्स्टेंट टर्म मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म मान लिया हमने के, तीनों के बराबर में एक कॉन्स्टेंट टर्म। अब देखिए बारी बारी से सबका मान कॉन्स्टेंट के रूप में निकालिए, यानी कॉन्स्टेंट के बराबर करो, ए टू दी पावर एक्स बराबर के करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के पर पावर 1/x, नहीं एक साइड का जो पावर होता है वह दूसरा साइड जाके पलट जाता है, अगर एक्स है तो 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार बी टू दी पावर बाई बराबर के, यानी बी बराबर हो जाएगा के पर पावर 1/y। अच्छा उसी प्रकार सी बराबर हो जाएगा के पर पावर 1/z। ये देखिए ए बी सी का मान निकाल लिए, अब प्रश्न में कंडीशन दे रखा है, वो कंडीशन है सबका मान कांस्टेंट के रूप में निकाल लिए, अब एक कंडीशन दे रखा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, हाँ क्या कंडीशन है चला कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यह कंडीशन प्रश्न में, चलिए बी का प्रयोग कीजिए तो यह हो गया के पर पावर 1/y है ना का होल स्क्वायर ए सी, यानी के पर पावर 1/x इंटू के पर पावर 1/z। अब देखिए पावर पर पावर गुना हो जाएगा, यह हो जाएगा के पर पावर 2/y है ना बराबर में, ये देखो बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएगा 1/x प्लस में 1/ क्या हो जाएगा आपका जेड हो गया। अब एक सिंपल सा बात है, बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लिया जाएगा, यानी पावर को कंपेयर कीजिए, तो पावर को जब कंपेयर करोगे ध्यान देना इधर हो जाएगा 2/y है ना बराबर में, इसको जोड़ लीजिए तो जोड़ोगे तो हो जाएगा जेड प्लस में एक्स बट्टा क्या हो जाएगा आपका एक्स जेड। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बाई का मान, नहीं चलिए तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे तो बाई बराबर हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया आपका 2xz, नहीं अच्छा आई तो गुना होगा तो बट्टा में चला जाएगा, बट्टा एक्स प्लस जेड कहिए या फिर जेड प्लस एक्स कहिए, ये रिजल्ट होगा बाई बराबर है ना, बाई बराबर क्या हो जाएगा 2xz/x+z। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार बात को समझिए, तीन मान बराबर था, हमने प्रश्न को सुविधापूर्वक सोल्व करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म को बराबर मान लिया और सबका मान कांस्टेंट के रूप में निकाल लिए, फिर जो कंडीशन लगा रखा था प्रश्न में उसका उसमें जो है हर एक का मान जो कांस्टेंट के रूप में निकाले उसका प्रयोग कर लिए, अतः बाई बराबर आ गया आपका 2xz/x+z। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, कहता 16,000 रुपया का, आराम से गौर फरमाइएगा चेला, 16,000 रुपया का जो है 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित यानी हर 3 महीना में ब्याज का संयोजन किया जाता है, तो पहले आप यह सोचो रेट पहले निकालेंगे त्रैमासिक इसका। अच्छा अगर त्रैमासिक है तो ब्याज का संयोजन साल भर में कितना बार होगा, हर 3 महीना पर अगर ब्याज का संयोजन होगा तो साल भर में 4 बार होगा, नहीं यानी 20 वार्षिक रेट है, त्रिमासिक निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, यानी वह रेट कितना हो जाएगा आपका, वह रेट हो जाएगा आपका 5%। अच्छा 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 यानी 1/ कितना हो गया आपका, यह हो गया 20, यानी कहने का मतलब है कि 20 रुपया मूलधन तो 1 रुपया ब्याज सहित मिश्रधन कितना हो जाएगा 21, नहीं और चक्रवृद्धि ब्याज का धन जो है गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से बढ़ता है। अब देखो 9 महीना का बात किया गया तो 9 महीना में ब्याज का संयोजन कई बार होगा, 3 बार है ना, 3 बार, तो इसको 3 बार लिखो, ये हो जाएगा 20 21 है ना, 3 बार लिखिए 20 21, फिर लिखेंगे 20 21 है ना, अब देख लीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका कितना, यह हो गया आपका 8000 और यह कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 9261, नहीं यह हो गया 9261।
अब ब्याज के रूप में आप देख सकते हैं आपसे ब्याज पूछा गया, मिस दर नहीं पूछा गया। अच्छा प्रिंसिपल प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है? तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 16,000। कितना? 16,000। अच्छा प्रिंसिपल मेरे हिसाब से कितना यूनिट है? तो 8,000 यूनिट है। तो 8,000 यूनिट बराबर 16,000, एक यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे ब्याज पूछा गया, आप सोचो ब्याज कितना यहाँ दिख रहा है आपको? तो 1261 रुपया ब्याज दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1261। ये आपका अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज के रूप में कितना दिख रहा है यूनिट? 1261 है ना, तो 1261 यूनिट का मान निकाल लीजिए, है ना। चलिए 1261 यूनिट का मान निकाल लेंगे, इसको दो बार में काट लीजिए। अब दो से गुना कर लो, है ना, ये हो जाएगा 2 × 6 × 12 = 24 से कितना हो गया आपका? 25। यानी 2522 रुपया हो जाएगा। कितना? 2522 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 2522। यह है 9 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही आसान होता है, देखिए ऐसा नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न जो है बहुत उलझ, कुछ नहीं होता है, चला बहुत आसान होता है। खाली अब बात को समझिए, जैसे 20% वार्षिक था, तिमाही संयोजन का बात किया गया है, तो पहले तिमाही रेट निकालिए। पहले सोचे कि साल भर में कितना बार, अगर तिमाही होगा तो साल भर में 4 बार, जैसे छमाही होता है साल भर में 2 बार, तो रेट को आप 2 से डिवाइड करते हो, तो उसी प्रकार से तिमाही होगा तो साल भर में कितना बार? 4 बार। तो 20 में 4 से डिवाइड किया, तिमाही रेट आ गया 5%। 5% का मतलब 1/20, इसका मतलब 20 रुपया मूलधन तो 1 रुपया ब्याज, यानी मिश्रधन कितना हो गया? 20/21। 3 बार होगा संयोजन, 3 बार लिख दिए। प्रिंसिपल अमाउंट का 20 का रेशियो आ गया। ब्याज पूछा, 1261 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 2522 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं? अच्छा दो शहर का चर्चा किया गया, ध्यान दीजिएगा आराम से। अब देखो ना, दो शहर का जिक्र है ए और बी, नहीं, दो शहर ए और बी का जिक्र किया गया। कहता है एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा दोनों शहर के बीच का फासला कई किलोमीटर का है? 500 किलोमीटर का है। अब सुनो क्या कहता है, आराम से बात को समझिए। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर चलता है, नहीं, और किस स्पीड से चलता है? 70 के। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर चला है और चला 70 के स्पीड से, नहीं, किस स्पीड से चला? 70 के स्पीड से चला। अब क्या कहता है आगे सुनिए। जबकि 10 बजे जो है एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 के स्पीड से। अब एक गाड़ी जो है, ध्यान दीजिएगा, बी से ए की ओर चलता है और किस स्पीड से चलता है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। अच्छा कब चला, सोचो पहले बात को। पहला गाड़ी जो ए से बी की ओर चला है वो 8 बजे ही चलना शुरू कर दिया। अगला गाड़ी जो बी से ए की ओर चला वह 10 बजे चला, तो पहला तो 2 घंटा चल लिया, तो 70 का स्पीड है, 2 घंटा में कितना चलेगा? तो 2 घंटा में चल देगा 70 × 2, यानी कितना? 140। अब दोनों के बीच में फासला कितना का बच गया? यह बच गया 360 किलोमीटर का। अब देखिए दोनों गति में आ गया 10 बजे के बाद, है ना, 360 किलोमीटर। अभी गति को दोनों मिलकर के तय करेगा, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल को जोड़ो, है ना। 70 और 110 कितना हो गया आपका? 180। यानी समझिए 2 घंटा लगेगा ही लोग को। कई बजे दोनों गति में आया था? 10 बजे, यानी 10 बजे के बाद 2 घंटा लगने वाला ये सबको, है ना। चलिए तो 10 बजे दोनों गति में आया था सुबह में, 8 बजे तो केवल पहला चला था। अगर 8 बजे से आप समय निकालना चाहोगे तो ये 2 घंटा पहले चल चुका था, 4 घंटा जोड़ना होगा, 12 बजे उत्तर होगा। और अगर 10 बजे से निकालोगे तो केवल 2 घंटा जोड़ना होगा, यानी 12 बजे, है ना, दोपहर का जो है 12 बजे जो है ना, जाकर के जो है दोनों क्या करेगा? मिल पाएगा, नहीं, यही आपसे पूछा गया था। दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगी? यानी दोपहर में 12 बजे मिलेगी। ऑप्शन कौन सा होगा? 12 बजे अपराह्न, है ना, यही उत्तर होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। दोनों जो है दोपहर में 12 बजे जाकर के एक दूसरे से मिल जाएगा, नहीं, 12 बजे। चलिए थोड़ा कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं, किन्हीं के द्वारा अगर कोई प्रश्न होगा तो उनका हम जवाब दे देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो कोई सवाल किन्हीं के द्वारा नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए कहता है 4, 10, 12 और 24 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपात का मतलब समझते हो, प्रोपोर्शन का मतलब, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है इसी को समानुपात कहा जाता है। अब क्या कहता है सुनिए, 4, 10 का चर्चा ना, हाँ, 4, 10, 12 और 24
प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लेते हैं कि प्रत्येक में x जोड़ा गया, परिणाम स्वरूप परिणामी संख्याएं जो हैं वह क्या हो गई, समानुपाती हो गई। आपसे कहता है कौन सी संख्या जोड़ा जाए जिसको हमने x के रूप में निरूपित किया, x का मान आपको बताना है। देखो अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक आ जाएगा, फिर मामला जो है और डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हमको तो सेकेंडों में प्रश्न बनाना है, तो चला यहां से ऑप्शन पे जाएंगे। क्या बोला गया था फिर से सुनो, 4, 10, 12, 24 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्याएं समानुपाती हो जाए। मान लेते हैं हमने मान लिया कि माना प्रत्येक में x जोड़ा गया, अर्थात परिणामी संख्याएं समानुपाती हो गया, यानी जो है संख्या का अनुपात आपस में बराबर हो गया। x का मान ऑप्शन से सोच लेंगे क्या रखें x के जगह पर ताकि दोनों अनुपात बराबर हो जाए। अगर 5 का प्रयोग करोगे, देखो ये हो जाएगा 5, 4 कितना 9 और ये 15 यानी 3/5। इधर देखो 12, 5, 17, 29 यह तो होगा नहीं। 4 का प्रयोग अगर करते हो तो हो जाएगा आपका 8 और 14 यानी 4/7। अगर इधर देखो 4 रखोगे तो 16 और 28, 4 चौक 16, 7 चौक 28 यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। x बराबर 4 रखने पर आपका इक्वेशन संतुलित है, यानी जितनी भी संख्या का चर्चा किया गया 4, 10, 12, 24 अगर प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। देख लो आप 4 जोड़े थे 8, 14 और यह हो जाएगा आपके पास 16, 28 यानी 4/7 यह भी होगा, 4/7 यह भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया। अब एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या करना जैसे 4, 10, 12 और किसका चर्चा किया गया 24 का, है ना। कहता है प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। बस सिंपल सा कंसेप्ट बता रहे हैं, उसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्या करोगे, क्रॉस करने के बाद ऊपर में लिखना है गुणनफल का अंतर, नीचे लिखना योगफल का अंतर। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, क्रॉस कीजिए ऊपर गुणनफल का अंतर 96 और 120 यानी 120 माइनस में 96, नीचे योगफल का अंतर लिखना है ये हो जाएगा 22 और यह हो जाएगा 28 यानी 28 माइनस में 22। ऊपर कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 24, नीचे कितना हो गया आपका, नीचे हो गया 6, 6 से 4 बार में काट लीजिए यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 4। यानी प्रत्येक में 4 जोड़ेंगे तब जाकर के परिणामी संख्याएं जो हैं वह समानुपाती हो जाएगी। समझ रहे बात को, ब्रश क्रॉस करना है, ऊपर में लिखो गुणनफल का अंतर, नीचे लिखो योगफल का अंतर, जो परिणाम आएगा जो भी प्रश्न बना होगा अगर आपसे पूछा गया है कौन सी संख्या जोड़े प्रत्येक में ताकि संख्याएं समानुपाती हो जाए तो भी उत्तर इससे निकल के आ जाएगा, कौन सी संख्याएं घटाएं ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए तो भी उत्तर इससे निकल करके आ जाएगा। तो दोनों प्रकार के प्रश्न के लिए यही काम करना है, क्रॉस कीजिए है ना, और उसके बाद ऊपर गुणनफल का अंतर, नीचे योगफल का अंतर। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर 25% का हानि होता है। अब सिंपल सा बात देखो चला, अच्छा 720 में बेच रहा है, हो जा रहा है हानि, इसका मतलब है खरीदा गया होगा ज्यादा में, नहीं 100/75 25% हानि का फ्रैक्शन 75/100। हानि तो तब होता है जब खरीदता ज्यादा में है बेचता कम में, यानी खरीदा गया होगा ज्यादा में। क्रय मूल्य पर आ गए, कहता उस कृषि कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। अब देखिए लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचना होगा, 125/100 हो गया आपका 100। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, काट करके हटा लो, 25 से कट गया आपका 5 बार में, कट गया आपका 3 बार में, 3 से काट लीजिए आपका 240 बार में, 240 × 5 आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1200 रुपया। कितना मेरे भाई, 1200 रुपये, 1200 हो जाएगा आपका, है ना, 1200 रुपीज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना, ए नंबर। पहले डबल कंडीशन के प्रश्नों में जो है पहले क्रयमूल पे चले जाइए, उसके बाद अगर आगे लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचेंगे, अगर हानि पर बेचना है तो कम में बेचेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है एक राशि का जो है साधारण ब्याज, एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर जो है 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, यदि निवेश का दर 3% अधिक कर दिया जाता तो पहले की अपेक्षा 72 रुपया अधिक मिलता। अच्छा सोचिए, वही राशि पर ब्याज 72 रुपया अधिक मिल रहा है, उसका कारण क्या है, रेट में 3% का बढ़ोतरी। अच्छा सोचिए, साधारण ब्याज तो हर वर्ष का बराबर होता है, हर महीना का बराबर होता है, तो पहले कोई ना कोई रेट से इसको निवेश किया जाता था, अब कहता अगर दर 3% बढ़ा दिया जाए तो वही 2 वर्ष में पहले की अपेक्षा 72 रुपया ब्याज जो है ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा 72 रुपया ब्याज ज्यादा क्यों मिलेगा, रेट में 3% वृद्धि के कारण।
अच्छा तो 3% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 3 × 2 = 6%, यानी 6% का मान है बाहर पर। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया, यानी 100% का मान आप निकाल लीजिए, है ना, 6 से काट लीजिए 12 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्ट आपका 1200 रुपया। कितना हो जाएगा, 1200 रुपया आपका रिजल्ट हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, है ना, ए हो जाएगा। देखिए पिछला जो आपका प्रश्न था, यहाँ भी उत्तर आपका 1200 है और इस प्रश्न का भी उत्तर 1200 है, दोनों प्रश्न अलग अलग है चेला, है ना। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता 60 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद का अवनमन कोण, यहाँ पर मिस्टेक है लिखने में, अवनमन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले उन्नयन अवनमन को समझो, उन्नयन कोण जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है उठा हुआ। देखो जब ऑब्जर्वर नीचे हो वस्तु ऊपर हो तब वस्तु को देखने के लिए ऑब्जर्वर के आंख पर जो कोण बनता है वह कहलाता है उन्नयन कोण, लेकिन अवनमन कोण का कंसेप्ट यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो कंसेप्ट है उसमें ऑब्जर्वर ऊपर होता है वस्तु नीचे होता है, तब उस वस्तु को देखने के लिए ऑब्जर्वर के आंख पर जो कोण बनता है वह कहलाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण बन रहा है, कहता 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से, यह भवन है, एक मीनार की चोटी और पार यानी सिर सतल, चलिए एक मीनार का बात किया गया, एक मीनार देखिए अवनमन कोण बोला, इसका मतलब मीनार जो है वो आपका भवन से क्या है, छोटा है। अब क्या कहता सुन लीजिए आराम से, कहता 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद का जो अवनमन कोण है, ध्यान दीजिएगा, वह 30 डिग्री और 60 डिग्री है। हाँ, यानी शीर्ष का अवनमन कोण जो है वह आपका 30 डिग्री है, जबकि उसके पाद का जो अवनमन कोण है यानी धरातल का जो है बेस का जो है वह कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यही बात में बोला गया, फिर से एक बार बात को सुनो। देखो पहले समझना होता है, कंसेप्ट को समझना होता है, किसको बड़ा बनाएं किसको छोटा बनाएं, मेन तो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सीधा सा बात था, 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से मीनार को जब देखा जा रहा था तो उसके सिर और तल पर अवनमन कोण बन रहा था, इसका मतलब है कि मीनार जो है वह भवन से छोटा है, यह भवन है, मीनार के शीर्ष को देखा 30 डिग्री अवनमन कोण पाया और जबकि उसके तल को देखा, है ना, पाद को देखा तो 60 डिग्री पाया। एकांतर कोण को बराबर कर लीजिए, यह हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री और यह कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब देखो ना, टेन 30 का मान कितना, ऊपर लेटर एंगल में जाइए, 1/√3, अच्छा 10 60√3, यह √3 तो यह भी √3 हो जाएगा। 10 60√3 लाने के लिए इसको कितना लेना होगा आपको, इसको लेना होगा 3, नहीं, अब देखिए यह 1 है यह 3 है तो यह डिस्टेंस कितना हो गया 2, तो यह 2 तो यह भी 2 हो गया। आपको भवन का ऊंचाई दे रखा था, अच्छा भवन का ऊंचाई कितना दे रखा था, 60 मीटर नहीं, अच्छा भवन का ऊंचाई यूनिट के तौर पर मेरे हिसाब से कितना है, भवन यही है जो 3 यूनिट का मान है। आपसे मीनार का ऊंचाई पूछा, मीनार का ऊंचाई यूनिट के तौर पर कितना है, 2, यानी 2 यूनिट का मान बताना है, यानी 20 × 2 आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 40 मीटर हो जाएगा, कितना मेरे भाई 40 मीटर, 40 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऑब्जर्वर नीचे वस्तु ऑब्जेक्ट ऊपर, तब वस्तु को देखने के लिए ऑब्जर्वर के आंख पर जो कोण बनता है वह कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, लेकिन अगर ऑब्जर्वर ऊपर हो ऑब्जेक्ट नीचे हो तब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर के आंख पर जो कोण बनता है वह कहलाता है अवनमन कोण। हाँ, संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर होता है लेकिन कंसेप्ट दोनों का अलग अलग है। चलिए, कहता ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने का जिम्मेदारी लेता है, ए उस काम को अकेले 5 दिन में, ध्यान दीजिएगा, ए जो है अकेले उस काम को कई दिन में कर सकता है, 5 दिन में, जबकि बी जो है, ध्यान दीजिएगा, बी उस काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। अब क्या कहता है, जबकि वे सी की मदद से ए बी मात्र 3 दिन में ही काम को पूरा कर लेते हैं, ए बी और सी मात्र इसको 3 दिन में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, काम को करने का ठीका ए और बी के द्वारा लिया गया था 250 में। एक बात ध्यान रखिएगा कि मजदूरी को जो हम बांटते हैं वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं, जिस व्यक्ति का जैसा कार्य करने का क्षमता होगा उसी हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगा, अगर ज्यादा काम करेगा मजदूरी ज्यादा, कम मिले कम करेगा तो कम, यह सिंपल सा बात है। चलिए यहां से, लेकिन ए और बी काम करने के लिए 250 में लेता है लेकिन सी की मदद से काम कंप्लीट करता है और 3 दिन में ही कर लेता है। तो कहता सी को जो बाद में रखा, कहता सी को कितना मजदूरी मिलेगा राशि के रूप में, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से पूरा कार्य जूम करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15, देखिए एफिशिएंसी देखिए इसका, इसका 3, इसका हो गया 1 और यह कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 5, तीनों का। अब हमसे क्या कहता सी को कितना मिलेगा,
अच्छा पूरा मजदूरी कितना है, पूरा मजदूरी है 250, यानी दो वो मिलकर ए और बी जो काम लिया था वो कितना लिया था 250, तो या तो अब तीनों में बटेगा तो तीनों का एफिशियंसी हो गया 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 250। आपसे किसका पूछा गया, सी को कितना मिलेगा। अब देखिए तो तीनों की एफिशियंसी में ए और बी घटाइए, ए और बी का एफिशियंसी कितना 3 × 4, तो 5 में से 4 चला गया, यानी एक यूनिट सी का एफिशियंसी है, यानी एक यूनिट मिलेगा सी को, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया 50 रुपया, यानी सी को जो है परिश्रमिक के बदले काम करने के बदले जो राशि मिलेगा वह कितना मिलेगा 50 रुपीज मिलेगा, कितना 50 रुपीज। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी सी जो इस काम में जुड़ा ए और बी के साथ है ना, काम तो ठेका ए और बी ही लिया था लेकिन ए और बी सी का मदद लेता, काम को 3 दिन में ही पूरा करवाता, तब तो सी भी काम पे आया तो सी को भी मजदूरी मिलना चाहिए, एक यूनिट मिला यानी 50 रुपया। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 3 गुना, आराम से समझिए, पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का जो है वह 8 गुना आपस में क्या है, बराबर है। देखो मेरे भाई, जब गुणात्मक भाग बराबर होता है तो राशि का अनुपात गुणात्मक भाग को पलटने के बाद प्राप्त किया जाता है। तो रेशियो निकालने के लिए गुणात्मक भाग को पलट लीजिए। अच्छा पलटो, 3 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा 1/3, 6 को पलटोगे तो 1/6, 8 को पलटोगे तो 1/8। यह भिन्न का अनुपात है, सरल अनुपात में बदलने के लिए लॉसेस से गुना करेंगे, एलसीएम 24 हो जाएगा, यानी 8:4 कितना हो गया आपका 3। यही तो है तीनों भागों के बीच का रेशियो। पहला भाग 1600 है प्रश्न में दिया गया। अच्छा पहला भाग 1600 है जो यूनिट के तर्ज पर कितना दिख रहा है 8, तो 8 यूनिट बराबर 1600, एक यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे कहता तीसरा भाग बताइए, तीसरा का यूनिट कितना है मेरे भाई 3, इसको काट लीजिए कितना बार में 200 बार में, 200 × 3 यानी कितना हो जाएगा आपका, यह तीसरा भाग जो हो जाएगा आपका वह 600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपये है ना, कितना हो जाएगा 600 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी है ना। कंसेप्ट आपको हम बार बार बताते हैं कि जब भी चेला गुणात्मक भाग अगर आपस में बराबर हो तो राशि का अनुपात गुणात्मक भाग को पलटने के बाद प्राप्त किया जाता है। हाँ चेला, एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं कि इस बैच के बारे में जो है ना, आप सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि कितना जो है बेहतर आपके लिए बैच साबित होने वाला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके है ना, जो कि समझिए एग्जाम में जाओगे डायरेक्ट ये टॉनिक का काम करने वाला है, यानी मैथ ट्रेनिंग से अलग से आपको कुछ भी करने नहीं देंगे। हम बोले ना एग्जाम होते होते आपको ऐसा लगेगा कि मैथ ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट है, हम आगे के सब्जेक्ट पर सोचे, आप आगे सोचोगे जीके जीएस पर सोचोगे, इंग्लिश पर सोचोगे, और भी जो आपका जिस पेपर का एग्जाम होता है उस पर सोचोगे, मैथ ट्रेनिंग पर सोचने की कतई आवश्यकता आपको नहीं है, इतना कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसलिए अपने दोस्तों में इस कोर्स के बारे में जरूर बताइए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता दो हवाई जहाज के गति के बीच का रेशियो 7:15 है। पहला हवाई जहाज या स्पीड का रेशियो, पहला हवाई जहाज 3 घंटा में 1050 की, अच्छा पहला का स्पीड निकालो, 3 घंटा में 1050 किलोमीटर जाता है तो स्पीड कितना हो गया 1050/3, नहीं चाल बराबर दूरी बटा समय, यह पहला का स्पीड है। अच्छा पहला के स्पीड का यूनिट कितना है 7, दूसरा का पूछा 15, यानी यह 7 यूनिट का मान है, 15 यूनिट आपको निकालना है, 15/7 से गुना करें। देखिए ये पहला का स्पीड है जो 7 यूनिट का मान हुआ, आपसे दूसरा का पूछा तो 15 यूनिट आपको निकालना है। देखो 7 × 3 21 से काट लीजिए कितना बार में, ये कट गया 50 बार में, 15 × 5 = 75, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 750 है ना किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 750 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, यही दूसरा हवाई जहाज का स्पीड है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है ट्रेन जो है, ध्यान दीजिएगा, 5 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करता है। चेला अगर प्लेटफॉर्म को ही पार करता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करता है, अगर आदमी को पार करेगा तो वहां जो दूरी होगा वह दूरी क्या होगा, केवल और केवल रेलगाड़ी का लंबाई होगा। आदमी अगर रेलगाड़ी कुछ ऐसे वस्तु को पार करते इसमें लंबाई नगण्य के बराबर हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल, आदमी अगर इस सब चीज को पार करता है तो खुद की लंबाई को पार करता है, अच्छा 5 सेकंड में, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 20 सेकंड, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करने के सीधे में दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी प्लस में प्लेटफॉर्म, सोचो इसमें केवल रेलगाड़ी तो 15 सेकंड, 5 सेकंड और रेलगाड़ी प्लस में प्लेटफॉर्म तो 20 सेकंड। अगर रेलगाड़ी यहाँ 15 सेकंड ज्यादा लिया तो प्लेटफॉर्म के कारण ज्यादा लिया है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 330 मीटर। देखो प्लेटफॉर्म 330 मीटर लंबा, इसी के कारण रेलगाड़ी जो है ना यहाँ पर 15 सेकंड ज्यादा ले रहा है,
यानी रेलगाड़ी 15 सेकंड में 330 मीटर का दूरी तय करता है, या रेलगाड़ी का स्पीड निकल के आ गया मीटर प्रति सेकंड में, कहता रेलगाड़ी की लंबाई, जब रेलगाड़ी का स्पीड निकल के आ गया अच्छा तो व्यक्ति को पार करने की स्थिति में, आदमी को पार करने की स्थिति में जो दूरी होता हुआ तो रेलगाड़ी का ही लंबाई होता है, तो आदमी को पार करने की स्थिति में दूरी निकाल लीजिए, आदमी को कितना देर में पार करता है 5 सेकंड में, देखो 5 से काट लीजिए, ध्यान दीजिएगा 5 से 3 बार में और 3 से इसको उड़ा दीजिए कितना बार में 110 बार में, अतः रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 मीटर नहीं, रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 110 मीटर हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बनाता तो हर कोई प्रश्न है, आपको वह अप्रोच लगाना है प्रश्न के प्रति, वह टेक्निक लगाना है जिससे बहुत ही सुविधापूर्वक कहीं कुछ रटने की आवश्यकता नहीं हो और आसानी से आप प्रश्न को बना लीजिए, ऐसा टेक्निक आपको समझना है। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहो, चेला सब काम मेरा है। कहता 200 लीटर मिश्रण में जो है 15% पानी है, बाकी क्या है दूध है। कहता है दूध की कितनी मात्रा और मिलाए, परिणाम स्वरूप मिश्रण में 87.5% दूध हो। अच्छा देखो चर्चा दूध और पानी का, कहता दूध की कितनी मात्रा और मिलानी चाहिए। अच्छा दूध मिलाने का बात किया गया है, यानी पानी के मान में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए जिसके मान में परिवर्तन नहीं होगा उसका पहले वाला मात्रा और उसका बाद वाला मात्रा को पकड़ के बराबर करेंगे, यानी पानी को पकड़ के बराबर करेंगे, नहीं कितनी दूध की कितनी मात्रा और मिला, यानी पानी को बराबर करना है, दूध मिलाने का बात किया गया। अब देखिए 200 लीटर का मिश्रण था, अब ध्यान दीजिए पानी कितना था पहले 15%, कहता कितना दूध और मिला दिया जाए, मान लेते 1 लीटर दूध और मिलाएंगे। अच्छा दूध मिलाओगे तो दूध का मात्रा तो बढ़वे करेगा, मिश्रण का भी मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण हो गया 200 प्लस में कितना एक्स, परिणाम स्वरूप नया वाला मिश्रण में 87.5% दूध, तो जो बचा हुआ पानी होगा तो 100 में 87.5 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका 12.5% नहीं, यह देखिए पानी का पहले वाला मात्रा है और यह पानी का बाद वाला मात्रा है, दोनों आपस में बराबर हुआ क्योंकि पानी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए 100 से 100 काट के हटा लीजिए, 2.5 से 5 बार में यह कट गया आपका 6 बार में, देखिए 5 से काट लीजिए कितना बार में 40 बार में, है ना, तो यह हो गया मेरे भाई 200 प्लस में x बराबर में, यह हो गया 240, अतः आपका उत्तर क्या हो गया, यह उत्तर हो गया आपका 40 लीटर, कितना 40 लीटर, कितना दूध और मिलाना होगा तो 40 लीटर दूध और मिलाना होगा, कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, नहीं सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा ना, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बात को समझो, है ना, कि किसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा, जिसके मान में परिवर्तन नहीं होगा उसका पहले वाला मात्रा बाद वाला मात्रा को पकड़ के बराबर कर लिया जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाइए, कहता शब्द नेशनल, ध्यान दीजिएगा नेशनल के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, एक बार पूछा जाता है, एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, बॉल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित, कुछ नहीं करना चला बस सिंपल सा बात बताते हैं। अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो ऊपर लिख देना 8 फैक्टोरियल। अब देखो जिसका जिसका जितना बार रिपीटेशन होगा उससे डिवाइड कर लीजिएगा। अच्छा एन का प्रयोग 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते, 2 बार है। ए का प्रयोग 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कीजिए, जिसका प्रयोग 1 से ज्यादा बार होगा अपना फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर लेना। टी का प्रयोग नहीं है, आई का प्रयोग भी कहीं नहीं है, 1 बार है, ओ का प्रयोग भी कहीं नहीं है, अच्छा बस यही है आपके पास, क्या बोले कि जितना नंबर ऑफ लेटर है ऊपर लिखिए और उसका जिसका 1 से ज्यादा बार प्रयोग हुआ अपना फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर लीजिए। चलिए फैक्टोरियल 8 का जहां तक सवाल है, अच्छा देखो फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या, फैक्टोरियल का मतलब होता है उससे पीछे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सारे संख्याओं का गुणनफल, जैसे फैक्टोरियल 8, इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 8 तक के सारे संख्याओं का गुणनफल, नहीं। अच्छा फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 5 का मान हो गया, सुविधापूर्वक देखिए फैक्टोरियल 5 का मान हो गया आपका 120। अच्छा इसमें 6, 7 और 8 से गुना कर लीजिए, सुविधापूर्वक आप काम सोल्व कर रहे हैं, कैसे हम आसानी से सोचते हैं, फैक्टोरियल 5 तक तो बिल्कुल आप आसानी से सोच सकते हो, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, 2, 3, 6, फैक्टोरियल 4, 24, फैक्टोरियल 5, 120, यहां तक तो 7 भी 6 भी सोच सकते हो, 720 नीचे हो गया, 2 और 2, 4, चलिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से 2 बार, अब देखो कितना हो गया आपका, ये हो गया 7 × 14 और 14 × 6 कितना 84 है ना, 84, 4 × 2, 8, 1 और 0 के बाद इकाई स्थान पर 8 होना चाहिए, 1 और 0 के बाद 8 मिलने वाला एक ही ऑप्शन है, यही है ना,
और कहीं दिख रहा है क्या? 84 गुना 12 ऐसे भी सोचोगे आप, है ना। ये हो गया आपका कितना, 840 और 168, 1008 हो जाएगा। यानी 1008 पर अब लगा लीजिए, एक सुनना, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10,080। इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 10,080 प्रकार। समझ रहे हैं बात को, जितना लेटर है उतना फैक्टोरियल मार दीजिए, उसके बाद जिसका एक से ज्यादा बार रिपीटेशन है तो उतना फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर आइए। एक थैला में 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया के नोट है, कौन कौन मेरे भाई? एक थैला में जो है 10 रुपया वाला, 5 रुपया वाला और 2 रुपया वाला नोट जो है वह किस रेशियो में है? वह है 10:5:2। यह तो नोटों का रेशियो है, नोटों की संख्याओं का रेशियो है, इसको मूल्य में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा, 10 रुपया वाला 10 नोट मूल्य कितना हो जाएगा? 100। 5 रुपया वाला 5 नोट मूल्य कितना? 25। 2 रुपया वाला 2 नोट मूल्य कितना? 4। अब क्या कहता है सुनिए, थैले में 5 रुपया के नोटों का कुल मान 2 रुपया के नोटों के कुल मान से, यानी कहने का मतलब है यह जो राशि है 5 रुपया वाला, देखिए 5 रुपया के नोटों का कुल मान, यानी 5 रुपया का जो नोट का राशि है वह 2 रुपया के नोट के राशि से, राशि का बात किया गया, संख्या का नहीं। ये देखिए राशि है नोटों का। अच्छा, यूनिट के तौर पर अगर अंतर को देखा जाए तो दोनों में अंतर जो है आपका वह कितना का, 21 यूनिट का राशि में, यह दोनों प्रकार के नोटों में। और जो प्रश्न में कितना दे रखा है, 84 रुपया, नहीं, जो 21 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का निकाल ली। आपसे क्या पूछा गया, थैले में 10 रुपया के नोटों के कुल मान बताइए, 10 रुपया के नोटों का संख्या नहीं पूछा गया, उसको राशि में कन्वर्ट करके बताना है। देखिए अगर नोट का संख्या पूछता 10 यूनिट, अगर राशि पूछा तो 100 यूनिट का मान बताना है, नहीं। अच्छा, 21 से कितना बार में, 4 बार में काट लीजिए, यानी इस थैला में 10 रुपया के नोट के कितने राशि है, तो 400 रुपया है। कितना? 400। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी इस थैला में 10 रुपया के नोटों का कुल मान जो है राशि के तौर पर वह 400 रुपया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है 5 वर्ग का परिमाप जो है क्रमशः 24, 32, 40 और 76 और 80 है। देखिए 5 वर्ग का बात किया गया। अच्छा, वर्ग का परिमाप एक्चुअली होता क्या है? 4 गुने भुजा। परिमाप का मतलब ही होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज, यानी बाहरी सीमा के लंबाई के योग को ही परिमाप कहा जाता है। उसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो देखिए कहते हैं एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका जो है क्षेत्रफल इन चारों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। चलिए तो इस चारों का क्षेत्रफल का योग, ये देखिए पहला वर्ग का परिमाप है, भुजा निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर लिए, क्षेत्रफल निकालना है भुजा स्क्वायर कर लीजिए। दूसरा वर्ग का जो परिमाप है वह है आपका 32, 4 से डिवाइड कर लीजिए, ये भुजा निकल के आ गया, उसका स्क्वायर, ये दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तीसरा वर्ग का जो परिमाप है वह है 40, 4 से डिवाइड कर लीजिए, उसका भुजा निकल के आ गया, स्क्वायर कर लो, क्षेत्रफल आ गया तीसरा वाला का। चौथा वर्ग का परिमाप जो है आपका ये आपका 76, 4 से डिवाइड कर लीजिए, चौथा वर्ग का भुजा निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर करेंगे। 5 वर्ग का चर्चा किया गया, एक और वर्ग है जिसका परिमाप है 80, भुजा हो जाएगा 80/4, है ना, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ये एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है ना, कहता है जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यह नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। अब इसका परिमाप चाहिए तो 4 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। खाली आराम से कैलकुलेट करो, 4 से 6 बार में कट गया, है ना, 4 से 8 बार में कट गया, 4 से 10 बार में कट गया, 9, 4 से 19 बार में कट गया और 4 से 20 बार में कट गया। अब कितना हुआ कैलकुलेट करके देखो, यह हो जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान दीजिएगा, 36, 64, 100, 361 और 400। हाँ चला, इसको कैलकुलेट करोगे तो यह हो जाएगा आपके पास 961, है ना, और गुना हो गया 4, 961 किसका स्क्वायर होता है 31 का, इसका स्क्वायर रूट 31 हो जाएगा, 31 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा आपका 124 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी, यही जो है वह नया वाला वर्ग का परिमाप है, पैरामीटर है, नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल ये 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर था। यह वर्ग का क्षेत्रफल है, उसका भुजा निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट कर लिए, परिमाप चाहिए 4 से गुना कर लिए। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है सूर्य का उन्नतांश, उन्नतांश का मतलब उन्नयन कोण, है ना, 45 से 30 डिग्री होने पर ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 10 मीटर घट जाती। देखिए पहले जो था इसका उन्नयन कोण कितना था, 45,
अब घट करके उन्नयन कोण कितना हो जाता खंभा का, ये हो जाता आपका 30 डिग्री। परिणाम स्वरूप छाया क्या होता है, बढ़ जाता है, कोण घटेगा नहीं दूर हो जाएगा। चलिए कोण को सेटिस्फाइड करवाइए, टेन 45 वन, टेन 30 का मान यह हो गया 1/√3, यही छाया पड़ता है, पहले यहां तक था अब यहां हो गया, यह डिस्टेंस हो गया √3 माइनस में 1। जबकि प्रश्न में इस डिस्टेंस को कितना दिया गया, 10 मीटर, कितना 10 मीटर से निरूपित किया गया है, 10 मीटर बढ़ता है छाया, जो मेरे हिसाब से कितना दिख रहा है, यह √3 माइनस में 1 यूनिट का मान है। आपसे कहता है, कहता इस खंभे का ऊंचाई बताइए, ऊंचाई 1 यूनिट है, यही 1 यूनिट का मान, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, यह हो जाएगा 10 × √3 प्लस में 1, नीचे 3 में से गया 2, अब देखिए 2 से काट लीजिए 5 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × √3 प्लस में 1, कितना 5 × √3 प्लस में 1 मीटर आंसर हो जाएगा, 5 × √3 प्लस में 1 मीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही आसान होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का भी सवाल, लेकिन अब बात को आराम से समझो, उन्नयन कोण अवनमन कोण सारा कंसेप्ट समझिए, बिल्कुल सारा प्रश्न सुविधापूर्वक बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, एक परीक्षा में सफल और असफल अभ्यर्थी यानी पास और फेल, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में पास और फेल विद्यार्थियों के बीच का रेशियो जो है वह कितना, 5 अनुपात कितना 2, यदि असफल विद्यार्थी की संख्या 14 अधिक होती। अच्छा एक बार सोचो, कहता अगर फेल वाला का संख्या 14 ज्यादा हो तो सिंपल सा बात है, विद्यार्थी तो एक निश्चित संख्या में होगा, उसी में कुछ पास किया होगा कुछ फेल किया होगा, कहता अगर फेल वाला का संख्या 14 ज्यादा होता, चेला अगर फेल वाला का संख्या 14 होता यानी 14 ज्यादा होता, अगर फेल वाला में 14 बढ़ रहा है तो पास वाला में घटिए में बढ़ रहा होगा, अरे विद्यार्थी का संख्या तो निश्चित है, बाद में कह रहा है कि अगर फेल वाला का संख्या ज्यादा होता तब जो है इसके बीच का रेशियो जो है कितना हो जाता, 9 अनुपात कितना 5, अरे भैया फेल वाला का संख्या अगर बढ़ेगा तो पास वाला का संख्या घटेगा, है ना, यानी एक में 14 घटेगा दूसरा में 14 जुटेगा। देखिए तो आपसी लेन देन है, एक में जितना बढ़े दूसरा में उतना घटे, इन परिस्थिति में जो योगफल को बराबर करते हैं, 5 और 2 कितना हुआ 7, या देखो 9 और 5 कितना हुआ 14, बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर लीजिए, अब देखो 2 से गुना कर लो, अच्छा तो फेल वाला में अगर बढ़ रहा है तो पास वाला में घटेगा, कितना घट रहा है 1, अरे कितना बढ़ रहा है तो 1 यूनिट का हेरा फेरी हो रहा है, जबकि बढ़ने घटने का काम कितना हो रहा है 14 बढ़ता है जो 1 यूनिट का मान है। कहता है इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थी का संख्या यानी फेल पास मिला करके, तो जोग तो बाहर में लिखा हुआ है 14 यूनिट, तो 14 × 14 कितना हो जाएगा आपका 196, 196 कुल अभ्यर्थियों का संख्या जो है वह 196 है। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, और ये आपका आखिरी सवाल है, देखो क्या कहता है, कहता है शांत जल में जो है एक व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान दीजिएगा, शांत जल में जो है एक व्यक्ति की चाल जो है, ध्यान देना चला, वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जितने यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी को तय करता है उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में दुगने समय में तय करता है, धारा की चाल बता, धारा का असीम का वेग बताना है, असीम के स्पीड को सीम ही मान लेते हैं, असीम क्या है, धारा का वेग को एस मान लेते हैं। चलिए शांत जल में व्यक्ति का चाल कितना है 4.5, धारा के चाल को एस मान लीजिए। अब देखिए ना, यदि वह धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएगा चाल जुटेगा, जबकि धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा, व्यक्ति का चाल और माइनस में धारा का। अब क्या कहता सुनिए, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में दूरी को तय करता है उतने ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में, अगर यहाँ 1 घंटा का समय ले रहा है तो धारा के विपरीत यही दूरी तय करने में कई घंटा ले रहा है, दुगना समय, कुछ भी मान सकते, इसको टी मानोगे टूटी फिर तो टी ओ टी कट ही जाएगा, दुगना समय ले रहा है, दूरी बराबर है, धारा के साथ जितना दूरी तय करता है धारा के विपरीत भी वही दूरी तय करता है, यह हो जाएगा आपके पास 4.5 प्लस में एस, है ना, बराबर में हो गया 9 माइनस में कितना हो गया 2s, इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 3s बराबर में कितना हो गया आपका 4.5, यानी s बराबर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही धारा का वेग है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी, यही तो धारा का वेग निकल के आ गया, धारा का चाल निकल करके आ गया। यह था आपका सारा मैथ्स का प्रश्न, हम लोग चलते हैं रीजनिंग की दुनिया में। देखिए कहता है 8 अप्रैल को सोमवार है, तो उसी माह की 30 उसी माह की यानी 8
अप्रैल को अगर सोमवार है 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल को पूछा तो कई दिन बाद पूछा गया, 8 अप्रैल का दिया 30 तारीख का पूछा नहीं, 22 दिन बाद पूछा, कई दिन बाद पूछा 22 दिन। आप सोचो, आप जानते हो सात के मल्टीपल दिन जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 17 + 21 यानी ऑड डेज कितना आपके पास बच गया, एक, यानी एक दिन जोड़ लीजिए, यानी मंडे में आप एक दिन जोड़ोगे है ना, क्या हो जाएगा आपका ट्यूजडे। चलिए ट्यूजडे आपका रिजल्ट हो जाएगा यानी मंगलवार। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी, सात के मल्टीपल दिन यानी 7, 14, 21 हर आपका हो गया 28, 35, यह सब दिन जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। अगले सवाल की ओर आते हैं, कहता कितने अक्षरों के युग्म जो है बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, और वर्ण क्या है, ट्रिम्बल है, पी आर ई ए एम बी ई एल। कहता इसके बीच में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जितना कि अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिसके बीच में है उतना ही अक्षर जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता, कुछ नहीं करना है, हर एक से अल्फाबेट पढ़ दीजिए, पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं मिला, आर एस टी यू भी नहीं मिला, ई एफ जी एच आई नहीं मिला, ए बी सी डी ई एगो तो मिला आपके पास, क्या मिला, ए और ई। आगे बढ़ते हैं, एम एन ओ पी नहीं, बी सी नहीं, एल एफ, अब उल्टा चलिए राइट टू लेफ्ट भी, ई एफ जी एच आई जे के नहीं, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं, बी सी डी ई, देखिए एक और मिला आपके पास हुआ, क्या मिला, बी और ई, एम एन ओ पी क्यू नहीं, ए भी नहीं मिलेगा, ई से भी नहीं मिलेगा, यानी यहां पर कितना पेयर आपको मिला, एक मिला आपके पास ए और ई, जबकि दूसरा मिला आपके पास बी और ई। यहां पर अक्षरों के दो युग्म में दो पेयर ऐसा मिला जिसके बीच में यहां उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो दो पेयर, कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इसमें दोनों तरफ से देखना होता है, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, कहता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है, चल दीजिए कोई बड़ी बात नहीं है, उत्तर की ओर 100 मीटर गया, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है 75, देखो दाएं मुड़ा और कितना चला 75 मीटर, फिर वह दोबारा दाएं, दाएं नीचे हो जाएगा और 100 मीटर जाता है, इसी के सीध में आ गया। अब क्या कहता, सुनो, तथा अंतिम समय बाएं, अच्छा नीचे की ओर है तो बायां इधर हो जाएगा और कितना चलता है 25, यही है 25 मीटर। अब हमसे क्या पूछा गया, कहता है बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बताए इधर कौन सा दिशा होता है, पूर्व, तो पूर्व हो जाएगा, ईस्ट, कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए। यह सब आसान सा सवाल है, आप बना ही लोगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है 4 इंच आकार वाले एक ठोस घन के विपरीत, 4 इंच वाला घन है, जोड़े विपरीत फलक को जोड़े लाल हरे और काले से रंगा गया, उसके बाद एच 1 इंच के घन में इसको काटा गया, देखिए अच्छा सोचिए 4 इंच का है बड़ा वाला घन, 1 इंच में काटा जा रहा है, 4 बराबर भाग में, 3 बार कट लगाना हो, कट 1 बार कम लगाते हैं, एक, हो गया। अब इसके कलर करने का है, इसके दो विपरीत फलक को जोड़े को लाल से, देखिए अगर ऊपर लाल तो नीचे भी लाल, उसके बाद एक फलक को, दो विपरीत फलक को हरा से, अगर आगे हरा तो पीछे भी हरा होगा, और दो विपरीत फलक को काला से, अब देखिए इस फलक को अगर काला से रंगते हैं तो इस फलक को भी काला से, यही बात किया गया था। अब क्या कहता, सुनिए, कहता है ऐसे कितने घन है जिसके तीन फलक, कहता ऐसे कितने घन जिसके तीन फलक लाल रंग से रंगे हुए। अच्छा एक बात सोचो, तीन फलक वाला जो होता है, सिंपल सा बात पहले समझो, तीन फलक वाला जो होता है वो कॉर्नर क्यूब होता है जिसका रंगा होता है, कॉर्नर क्यूब का संख्या 4, ऊपर 4, नीचे 8,
अच्छा तो कॉर्नर क्यूब का क्या तीन फलक लाल से रंगा हो सकता है? नहीं, देखिए ऊपर लाल होगा, इधर काला होगा, इधर हरा होगा, यानी तीनों फलक जो है कॉर्नर क्यूब का अलग अलग रंग से, तीनों लाल से कभी संभव नहीं है। यानी ऐसे घनों का संख्या कितना हो जाएगा? जीरो। कॉर्नर क्यूब का स्थिति उठा के देखिए आप, कॉर्नर क्यूब का तीन फलक जो रंगा होता है यहाँ पर तीनों अलग अलग कलर से रंगा हुआ, ना कि तीनों लाल से रंगा हुआ, इसलिए ऐसे घनों का संख्या जीरो हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कक्षा में पांच पंक्तियां, जिसमें पांच बच्चे ए बी सी डी और ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग पांच पंक्ति में निम्न प्रकार से बैठे, ए बैठा सी के पीछे, ध्यान दीजिएगा ए बैठा किसके पीछे, ए बैठा सी के पीछे और बी के क्या बैठा, आगे, बी के आगे। अच्छा सी बैठा ई के पीछे, सी किसके पीछे बैठा, ई के, और डी बैठा ई के आगे, डी इसके भी आगे हो गया। यह पांचों पंक्ति का स्थिति हो गया, पंक्ति से अंतिम पंक्ति, पहली पंक्ति से अंतिम, तो पहला में डी, दूसरा में तीसरा में सी, चौथा में, यानी डी ई सी ए बी पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है अरेंजमेंट का बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 10 शिला, है ना, जिसको हमने पूर्ण रूपेण पूरा डिस्कशन के साथ कंप्लीट करवा दिया। हाँ, बायोलॉजी का जो बैच हुआ है, स्टार्ट हुआ है, दो क्लास उसमें हुआ है आपका, एक हो गया आपका इंट्रो और उसके बाद वर्गीकरण, और उसके बाद शायद पादप का वर्गीकरण और जीवों का वर्गीकरण केवल पढ़ाया गया है। तो बायोलॉजी के बैच भी मात्र 101 रुपये में उपलब्ध है एप्लीकेशन पे, तो उस बैच आप लोग तो जानते ही, जो लोग नहीं जानते उन लोग को भी बताइए उस बैच के बारे में, है ना। चलिए, और सभी बैच के बारे में बताते रहिए आप लोग, टेलीग्राम चैनल जो हम मेरा है स्टूडेंट एलीट के नाम से, आप लोग उसमें ज्वाइन कर जाइए, है ना। यूट्यूब चैनल आप जानते ही हो, उसमें कंटिन्यूटी आपको वीडियो प्रोवाइड किया ही जाता है। चलिए फिर मुलाकात हो गई, ये सब चीज़ सारा चीज़ जो है लोगों को आप लोग शेयर करते रहिए, बस आप अपना प्यार दुलार हम पर दिखाते रहिए, हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में, यानी मॉक टेस्ट नंबर 11 के साथ, तब तक विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।